अस्सलाम वालेकुम। तो हमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और उसके बाद 1/2 टीस्पून जो है वो चाहिए गरम मसाला, लेमन चाहिए हाफ, नमक चाहिए अपने जायके के हिसाब से। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर इस फ़िश के मिक्स करके सारे लगा देने, ठीक है। और कोई भी बड़ी फ़िश ले सकते हैं। अभी आटे में मैंने क्या किया है, थोड़ा गार्लिक पाउडर डाल दिया है और इसको अलग से रख दो मिक्स करके, इसको अभी कुछ नहीं करना। और जो फ़िश हमने किया था ना मैरिनेट करना था वो 10-15 मिनट, और उसके बाद इसे आटे में डालना है। और यहाँ पे 2 अंडे लेने हैं, तो इस आटे में ऐसे डिप कर दिया फ़िश को, फिर उसको क्या करना है इस अंडे में डाल देना है। तो ऐसे फिर क्या होगा कि आटा जो है ना वो अंदर इसके रह जाएगा और ऊपर से अंडा लग गया। और उसके ऊपर हमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, कोई सी भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं आप, और इसको अच्छे से लगा देना है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे, एक एक पीस ऐसे करते जाना है और फ्राई करते जाना है, ठीक है। तो अभी इसको सारा ऐसे हिला के निकाल देने, नहीं तो तेल में सारे नीचे गिर जाएंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको डीप फ्राई करना है इतना कि फ़िश अंदर चली जाए ऑयल के। तो इसको ना अभी हल्के आंच में, इतना हल्का आंच भी नहीं रखना, मतलब हल्के से थोड़ा ज़्यादा रखना है। और जब तक वो चीज़ फ्राई हो, एक पीस मैं ना अभी दूसरा पीस रेडी कर रही हूँ, तो डायरेक्ट ही कर रही हूँ, आप लोग आराम से देख लो। और ये जो है ना कोरिया में इस स्टाइल का मैंने खाया था, उधर डेफिनेटली धनिया और ज़ीरा पाउडर नहीं डालते, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ धनिया ज़ीरा गरम मसाले पाउडर चलते हैं बहुत, तो इसलिए मैंने इसमें ये डाला। और ये फ़िश बहुत टेस्टी भी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कोरिया में तो सिंपल फ़िश को बस नमक लगा के ही ये प्रोसेस में बनाते हैं। और ये फ़िश कटलेट्स ना बड़े महंगे मिलते हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर एक रेसिपी ट्राई कर दूं, कोरियन और हमारा स्टाइल मिक्स करके कुछ। तो ये बड़ा टेस्टी बना था, मतलब जो मसाले का टेस्ट आ रहा था इसके अंदर, गरम मसाले का। और ये ना इतना फ्राई करना है कि आपको फ़िश तो जल्दी फ्राई हो जाती है, और इतना फ्राई करना है कि आपको कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ब्रेड क्रम्स का पता चल जाएगा कि ये गोल्डन अभी हो गया है, तो ये डन हो गया है। तो पहले मैंने 2 डाले थे कटलेट्स क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है, और अभी मैंने 4 पीस डाल दिए क्योंकि ये छोटे छोटे पीस हैं, पहले वाले 2 पीस ना बड़े थे। तो ये ऐसे क्रिस्पी होगा बाहर से, अंदर से जूसी फ़िश होगी। और ऐसे मैंने सारे पीसेस में आटे लगा के रख दिए, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ना अंडा और ब्रेड क्रम वो आराम से किया। तो इन सबको मैंने अभी फ्राई करके रख दिया, और ये हमारे गर्मा गर्म फ़िश कटलेट्स रेडी हैं। और इसको आप ना राइस के साथ खा सकते हो, थोड़ा सा सलाद बना के उसमें मायोनीज़ लगा के उसके साथ भी खा सकते हो। तो ये बड़ी मज़े की एक फ़िश कटलेट है, मतलब अगर आपको पता नहीं है फ़िश के साथ क्या रेसिपी बनाया जाए, तो आप फ़िश के साथ ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हो। घर में मेहमान आए ना तो तब भी ये ट्राई कर सकते हो, बहुत मज़े का है और ख़ूबसूरत एक डिश दिखने में लगती है। तो बस यही थी मेरी आज की डिश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।